Hello students, today I will discuss the biology of 10th class. So in 10th class, biology chapter 2 is going on. In chapter 2, today we'll discuss about reflex axle and reflex arch. Reflex axle and reflex arch. Reflex action and reflex arc. अब reflex action क्या होता है? Reflex action को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया. Reflex action is said to be प्रतिवर्ती क्रिया in Hindi. Reflex arch प्रतिवर्ती चाप. देखो क्या होता है. सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच इज ऑटोनॉमिकली रिस्पॉन्स विच इज ऑटो विच रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली एक्शंस. वे क्रिया होती जो ऑटोमेटिक होती है. शरीर में बहुत सारी एक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्शंस होती हैं जो अंडर अवर कंट्रोल होती हैं, जो ऐसी कुछ ऐसी एक्शंस होती हैं जो अंडर अवर कंट्रोल नहीं होती हैं. मीन्स दैट ऐसी एक्शंस जो हमारी अकॉर्डिंग होती हैं, हमारे बिल के हिसाब से होती हैं. जैसे मेरा मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम अपना गर्दन को पीछे करें, घुमा दिया अपने अकॉर्डिंग, हाथ की मसल्स को ऐसे ऐसे करना, ये हमारे बिल के अकॉर्डिंग है ना, हमारी अकॉर्डिंग होती है. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली. अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली. रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली. वह एक्शन होता है जो ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है. ओके, दिस इज रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. दिस इज रैपिड ऑटोमेटिक रैपिड ऑटोमेटिक response to a stimulus which is not under the voluntary control control of breath under not voluntary control of breath means that kya hai? This is rapid automatic response. Apne aap khud response hota hai to a stimulus which is not under the voluntary control of breath. Jo aur voluntary control nahi hota, matlab apne according jis par control nahi kiya ja sakta hai. Okay, apni ichha se kaam nahi karta hai, ye involuntary actions hoti hai. Then here we can write it is described as involuntary actions. Okay, ये कैसी actions होती? Involuntary, जो आपकी इच्छा से नहीं होती. अब अगर example की बात करें, ऐसी कौन सी एक्शंस हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, वो कब हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता है. जैसे
जैसे स्नीजिंग, कफिंग, कफिंग, इसके बाद में ब्लिंकिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन स्नीजिंग मींस छींकना, कफिंग खांसना, ब्लिंकिंग पलकों का झपकना। आपकी पलक जो है ना कब झपक जाती है आपको पता ही नहीं चलता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, ऐसी एक्शंस जो इनवॉलंटरी होती है ना, जो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च, रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है? द पाथवे और रूट, वह रूट जहां से रिफ्लेक्स एक्शन काम करती है ना, ऐसा रूट जहां से रिफ्लेक्स एक्शन काम करती है इस कार्ड रिफ्लेक्स आर्च। ओके, तो हियर वी कैन राइट द पाथवे और रूट, द पाथवे और रूट, और कौन सा रूट? द पाथवे और रूट टेकन बाई, टेकन बाय नर्व इंपल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप क्या होता? ऐसा रूट जहां से नर्व इंपल्सिस निकलती है रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया में नर्व इंपल्सिस जिस रूट से निकलती है वो रूट जो है ना वो रिफ्लेक्स आर्च कहलाता है। ओके, सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स अबाउट रिफ्लेक्स आर्च फॉर टुडे। थैंक यू।